राहुल गांधी जी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जब आपको मालूम ही नहीं कि आलू होता क्या है, आलू पैदा कहाँ होता है, तो उनको जब यही नहीं पता कि कौन सा फसल कितना रेट बिकना चाहिए क्या बाबत, तो वो हमारे इस बिल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है क्या होता है फसल। आप बताइए, बाहर इंग्लैंड विदेशों के रहने वाले लोग हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी जानते नहीं है वो लोग, तो वो हमारी फसल की क्या वो बताएंगे, बताइए आप। मैं आलू की खेती करता हूँ, धान पैदा करता हूँ, गेहूँ पैदा करता हूँ और सरसों पैदा करता हूँ, चरी बाजरा पैदा करता हूँ, मैं सब फसल पैदा करता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के लिए आप क्या करें? देखिए, राहुल गांधी हमारे देश का नागरिक, आप तो किसान है, वो तो किसान नहीं है, लेकिन वो किसान बिल पर सियासत कर रहे हैं, और एक किसान क्या कहना चाहता है? उसके वो किसान बैठे हुए हैं, किसान नहीं है वो, वो तो विशेष पार्टियों के नेतृत्व में उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा। सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो समर्थन में आ रहे हैं वो किसान नहीं है, आप बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है? नहीं, किसान हमें, और किसान बिल जो लाए हैं मोदी जी वो किसानों के हित में लाए हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो तो कोई कांग्रेस का है, तो कोई समाजवादी पार्टी का है, तो कोई लोकदल का है, ये तो राजनीति रोटियां सिक रहे हैं। आज राहुल गांधी भी राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचे थे, दो ट्रक कागज भर के। वो केवल उनकी जमीन खिसक गई है, वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, किसानों को आड़ में लेकर जमीन तैयार कर रहे हैं। मैडम, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान किसानों का देश है, और उसमें से चंद 10-5% किसानों को विपक्षी पार्टियाँ गुमराह करके ये जो है आंदोलन करवा रहे हैं, है ना। बिल बहुत ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिल पास करवाया है, माननीय तोमर जी ने, कृषि मंत्री जी ने जो बिल करवाया है, वो किसानों के हित में है, आगे चल के भविष्य में परिणाम अच्छे निकलेंगे बिल के, तो सब लोग जो है किसान बिल के समर्थन में आए हैं, बिल बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। ऐसा है, देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक किसानों के हित में बिल अभी पास हुआ है, अब कुछ लोग अपराध जो विदेश, यहाँ पर इतने किसान हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति के। तो करो हस्ताक्षर तो कैसे भी करा लो, मैं अपने घर पर 10,000 कर दूं, 10 करोड़ कर दूं। उसमें जो फर्जीवाड़ा सामने आया है कि नाम उसमें जो लिखे हुए हैं वो पता नहीं है, सिर्फ अंगूठा लगा हुआ है और ना नंबर है ना पता है। तो मैडम आप भी समझ लो इस बात को, अंगूठा लगा लो, किसी के साइन कर लो, दस्तावेज घर पे बना लो, हकीकत तो जमीन पे आती है ना चीज़ें। लोग मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को भाई उनके सही काम है, उनके कोई ऐसा कोई बड़ा भारी परिवार को कोई फायदा तो कर नहीं रहे हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है, तो विपक्ष को वो चीज़ हजम ही नहीं हो पा रही है। उनको जानकारी का अभाव है, जो किसान वहाँ पे बैठे हैं एक्चुअली बिल की है, उनको एक्चुअल जानकारी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग शुरू से ही करते चले आ रहे हैं सालों से, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करिए, आपका मन है तो करिए, नहीं तो अपने आप करिए, उसको ये तो है नहीं कि आपको कोई वो कर रहा है, तो उस पर अगर विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, एक बिल में ज़रूर थोड़ी सी, जैसे कि स्टोरेज वाला बिल है जो 1955 में कानून बनाया गया था कि कोई भी अगर भंडारण करता है तो उस भंडारण वाले कानून पर जरूर सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन बाकी के बिलों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को उससे आय बढ़ने का ही वो है। सरकार की तरफ से अभी एक बार और नेक्स्ट राउंड के लिए पत्र आया है किसानों संगठनों से बात करने के लिए, ये कहा गया कि अलग अलग किसान संगठन से वो बात करें, क्योंकि इधर से जो पत्र लिखे गए थे संगठन की तरफ से यही था, तो अब उसमें ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं बातचीत के लिए, समय और तारीख आप निर्धारित करिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ये कहा गया कि जो भी किसानों के सवाल हैं, जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, तर्कपूर्ण उनका जवाब दिया जाएगा, इस पर आप क्या? ऐसा है मैडम कि अगर कोई भी किसी भी तर्क वितर्क तो आप किसी भी संगठन से करोगे तो वो व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बिल में जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आप मेरे सामने अब आप किसी उनमें से व्यक्ति को लाएं तो उन प्रश्नों का जवाब मैं भी दे दूंगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपको क्या प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम लोग करते के चले आ रहे हैं, हम गाँव में जब खेती करते हैं तो मैंने किसी पे भेज बोलते हैं गाँव में, इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो हमें कानूनी जामा और मिल रहा है, ये तो और अच्छी बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उन लोगों को पता नहीं उनके एक्चुअली क्या है कि बिल के बारे में हम लोग, हमारा भारत देश जो है भावनाओं का देश है, किसी की थोड़ी सी भावनाओं को भड़का करके व्यक्ति को और उसे बरगला करके कहीं भी इस प्रजातंत्र में व्यक्ति कुछ भी कराने को वो हो जाता है। इस वजह से इस बिल में ऐसी कोई खामी नहीं है, लेकिन एक भ्रम फैला करके
हमारे देश में भ्रम फैला करके लोगों को मूर्ख बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं ये जो तीनों कानून है वो काला कानून है और इसको रद्द करना चाहिए। नहीं नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एक्चुअली एक तो राहुल गांधी किसान नहीं है और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। वो किसानों के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता हो, जो वास्तव में किसानों के बीच में रह करके आया हो और उसने देखा हो, तो वो तो बता सकता है इसके बारे में। किसान को पेड़ पौधों के बारे में किसान को के नहीं पता हो तो वो कैसे काला कानून कहेगा इसको। देखो कुछ चीज़ में खामियां होती हैं, उस खाम वो तो भाई सरकार कह रही है कि भाई अगर तुमको ऐसा लगता है कि इसमें ये कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करेंगे। सर राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, 29 दिन बाद अभी तक जो आंदोलन में बैठे हुए उनको बरगला कर बैठाया गया था, लेकिन राहुल गांधी आंदोलन में बैठने नहीं आते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जी से मिलने जाते हैं, फुल ऑन ड्रामा, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि जितने भी आज जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष का, ये सारे लोगों ने इस बिल का समर्थन किया था उस टाइम जब बिल पास निकला था। आज उनको इतने दिन बाद इस बिल के बारे में याद आ रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब गुमराह करने के लिए, उसको घेरने के लिए इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब सबसे भोली जात होती है, कौम होती है किसान। किसान ना पहले समझता नहीं है जल्दी और ना ही अच्छा वो होता समझदार, तो सबसे पहले किसान को पकड़ लिया है। बेचारे पंजाब के कुछ किसान हैं कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, देखिए वहाँ क्या दलाली चल रही है, वहाँ कुछ चंद लोग मिले हुए हैं, चंद लोगों के जरिए वो दिया जा रहा है। कहीं आपने देखा है कि कहीं धरनों में कहीं सिकाई की मशीन लगती है पैरों के लिए? बताइए आप, वहाँ सिकाई की मशीन लगी हुई है, अच्छी अच्छी व्यवस्था है, महंगी महंगी कारों में, महंगी महंगी कारों में पिज्जा पार्टी, बिरयानी पार्टी, ये वहाँ बिरयानी चल रही है। किसान बेचारा कहाँ है? अब हमसे देखिए, हम खेती करते हैं, यहाँ पहन के आए हैं, कैसे कैसे आए हैं हमें मालूम है। कभी किसान आंदोलन में सरजील इमाम प्रोटेस्ट बंड वाले का और कभी खलील का इनके पोस्टर दिखाए जाते हैं, इनको रिहा करो। ये प्रोटेस्ट के अंदर क्या चल रहा है इसके अंदर? राहुल गांधी जी इस चीज के बारे में कभी खुल के आए मंच पे? कभी भी नहीं आए। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम में डाल के किसानों को, युवाओं को, इस देश को, इकोनॉमी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आपका मतलब ये है कि वो आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। किसानों को काफी बेनिफिट है, लेकिन देखो टाइमिंग, हर चीज का टाइम होता है। अभी बिल निकला है, पास हुआ है, इसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप एक बात बताइए कि आज अगर हमारी फसल को कोई MSP रेट पर खरीदेगा तो उससे हमें तो फायदा है, किसानों को फायदा है, देश को। मोदी ने देखिए आज तक किसी भी पार्टी ने किसानों के लिए 6,000 सालाना कोई आज तक पैसा नहीं डाला किसी भी पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए 6,000 प्रति सालाना पैसा दिया। MSP 1925 की उस पर जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं किसान से जुड़े हुए होते हैं, देखिए किसान पर 20 बीघा जमीन है फिर भी किसान नीचे बुग्गी पर बैठा है, और जो कुछ आड़त खोल के जो लोग बैठे रहते हैं व्यापारी होते हैं वो मर्सिडीजियों में घूमते हैं, गाड़ी AC मकान होते हैं, हमारी फसल पर वो इतना पैसा कमाते हैं। तो सरकार ने उन जो बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस से बीच में जो लोग पैसा कमाते हैं, उसको खत्म करने के लिए ये नियम लागू किया है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ। आप किसान है, किस चीज की खेती? मैं आलू की खेती करता हूँ, धान पैदा करता हूँ, गेहूँ पैदा करता हूँ और सरसों पैदा करता हूँ, चरी बाजरा पैदा करता हूँ, मैं सब फसल पैदा करता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के लिए आप क्या? देखिए राहुल गांधी हमारे देश का नागरिक, आप तो किसान है, वो तो किसान नहीं है, लेकिन वो किसान बिल पर सियासत कर रहे हैं, और एक किसान क्या कहना चाहते हैं उसके? राहुल गांधी जी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जब आपको मालूम ही नहीं कि आलू होता क्या है, आलू पैदा कहाँ होता है, तो उनको जब यही नहीं पता कि कौन सा फसल कितना रेट बिकना चाहिए क्या बाबत, तो वो हमारे इस बिल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे? उनको मालूम ही नहीं है क्या होता है फसल। आप बताइए, वो बाहर इंग्लैंड विदेशों के रहने वाले लोग हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी जानते नहीं है वो लोग, तो वो हमारी फसल की क्या वो बताएंगे, बताइए आप। किसान समर्थन में, किसान समर्थन के लिए जो कानून लागू हुए हैं उसके समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने देखा बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं, लेकिन हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और यहाँ UP गेट पर काफी लोग बैठे हुए हैं। उनका भी यही दावा है कि ये जो मिलाया है वो किसान विरोधी है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ तो सोच कर आप समर्थन कर रहे होंगे, क्या सोच कर? किसानों के हित में काम हो और जो कानून बना है वो किसान के हित में काम करे और बढ़िया काम, कोई भी बीच में दलाली और वो नहीं हो। अच्छा, आप बिचौलियों से छुटकारा पाना चाहते हैं इसलिए आप समर्थन? जी जी। कहाँ से आए सर आप? फतेहाबाद से। आगरा से आप आए हैं यहाँ से, आप किसान हैं? जी किसान हैं।